हाय, वेलकम बैक। ग्राफिक्स स्लाइस चैनल में आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। तो फोटोशॉप में आज और एक टूल के बारे में देखेंगे। सो पहले फोटोशॉप को ओपन करो। तो फोटोशॉप में एक फ़ोटो ले लीजिए। सो फोटो में अनवांटेड ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन या थिंग हो तो हाउ टू रिमूव, वो कैसे निकालना है। सो वो भी बिना इमेज को डिस्टर्ब किए। तो वो कैसे, सो वो एक टूल है, तो वो है कंटेंट अवेयर फिल। उसे लेकर आज हम लोग अनवांटेड थिंग्स को हटाना है। वो कैसे, सो पहले डबल क्लिक करो, एक इमेज को ओपन करो। इमेज यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। सो इसमें कोई एक इमेज ले लेंगे, ठीक है। सो ओपन हो गया है इमेज। मुझे बस ग्रीन कलर बैकग्राउंड चाहिए, एक फ्लावर इस इमेज से निकालना है। पहले लेयर को अनलॉक कीजिए, बाद में डुप्लीकेट कीजिए कंट्रोल जे शॉर्टकट कमांड। तो ये क्यों दूसरा लेयर ले रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर एंड बिफोर इफेक्ट देखने के लिए, और तो और ओरिजिनल इमेज भी रहना चाहिए कंपेयर करने के लिए। सो क्विक सिलेक्शन टूल ले लीजिए। क्विक सिलेक्शन टूल से ऑटोमेटिकली हम फ्लावर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। सो ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देता है। देखिए इतने सेकेंड्स ऑब्जेक्ट गेट सेलेक्टेड, सी हेयर। सो परफेक्टली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। बाद में यहाँ दो टूल है, प्लस और माइनस सिंबल, सो ऐड और सब्स्ट्रैक्ट। सो शिफ्ट होल्ड किया तो ऐड हो जाता है, ऑल्ट होल्ड किया तो सब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। मैंने शिफ्ट होल्ड करके और नीचे का हिस्सा सेलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे का हिस्सा सेलेक्ट करने के बाद ये बॉर्डर देखिए थोड़ा शार्प लग रहा है और एग्जैक्टली आउटर पोर्शन में सेलेक्ट हो चुका है। सो मुझे थोड़ा और पोर्शन या पिक्सल सेलेक्ट करना है। गो टू द सेलेक्ट मॉडिफाई, इसमें एक्सपैंड ले लीजिए, थोड़ा पिक्सल्स एक्सपैंड करते हैं। सो 10 है, मैं 8 ले लेता हूँ बस। अब देखिए क्या हो गया इमेज में, थोड़ा बाहर सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि ये इस तरह सेलेक्ट करने से क्या होता है, सो कंटेंट फिल अच्छी तरह से सेलेक्ट हो जाता है। सो गो टू द एडिट टूल, फिल, फिल में कंटेंट्स, उसमें कंटेंट अवेयर सेलेक्ट होना चाहिए, और ब्लेंडिंग मोड में नॉर्मल, ओपेसिटी बिल्कुल 100। तो बस क्लिक ओके, सी विदिन सेकेंड्स यू गेट अ रिजल्ट। सी इट्स अमेजिंग राइट। सो जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट इमेज रिमूव हो गया। सो रिमूव होने के बाद देखिए आफ्टर और बिफोर कैसा लग रहा है, पहला और बाद, है ना। सो इतना इजी है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी, ठीक है। दूसरा दो और एग्जांपल्स है, और एक इमेज ले लिया बोट का। सो अनलॉक कर दीजिए, बाद में डुप्लीकेट कीजिए। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सेलेक्शन टूल अगेन। सो अब मैनुअली सेलेक्ट कर रहा हूँ मैंने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं ले लिया मैंने। सो मैनुअली सेलेक्शन कर रहा हूँ। नीचे एक पर्सन है, उसको भी सेलेक्ट कीजिए, बोट को सेलेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि सेलेक्ट में जाकर बॉर्डर को एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट करने से ईजी हो जाता है कंटेंट अवे। बस इतना काफ़ी है सिलेक्शन। ओके सो गो टू एडिट फिल, उसमें कंटेंट अवे। ओके सो कहीं और से उठाकर यहाँ पेस्ट कर देता है। देखिए इतना आसान सा हो गया। सो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर कैसा हो जाता है, इतना सेकेंड्स आपका काम हो जाता है। सो इसलिए हम लोग कंटेंट अवेयर यूज कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को। यह पोलर बियर्स का फोटो ले लिया मैंने, इसमें दो है। सो इसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया तो दोनों ही सेलेक्ट हो जाता है। पहले लेयर को अनलॉक कीजिए, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर दीजिए, कंट्रोल जे शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। सेलेक्शन विक सेलेक्शन टूल लेने के बाद गो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो दोनों ही सेलेक्ट हो जाता है, मुझे तो एक बस एक चाहिए और एक को हटाना है। सी दोनों को, दोनों पोलर बेयर सेलेक्ट हो गया, मुझे छोटा पोलर बेयर को हटाना है, इसलिए बड़े वालों को रिमूव करो। कैसे? रेक्टेंगल टूल ले लीजिए, शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाता है। बस छोटा वाला पोलर बेयर सेलेक्ट हो गया। सो थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिए इमेज, सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड पिक्सल, 60 पिक्सल्स है, ओके। तो थोड़ा एक्सपैंड हो गया, बस अगेन फिल, गो टू एडिट, फिल कंटेंट अवेयर, ओके, ब्रांड नॉर्मल, ओके। सी इतनी आसानी से आपको ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट हटा दिया। सो बिफोर और आफ्टर, तो तीन एग्जांपल्स देख लिया हम लोगों ने, कौन सा टूल फिल में कंटेंट अवेयर टूल यूज कर लिया। तो तीन एग्जांपल्स ले लिया, पहला ये फ्लावर का, दूसरा बोट का और तीसरा वो पोलार बेयर का। तो ये तीनों इमेजेस आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो तीनों इमेजेस को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, आप दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।